माय नेम इज़ राहुल रंगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज पेपर वर्क का चौथा हिस्सा या फिर यू कहे कि फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ऑफ द बेसिक फिजिक्स का चौथा हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है, उन सारी बातों को इस चैनल के जरिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद मैं सोच रहा हूँ कि जिस चीज़ से मैंने स्टार्ट किया था, मैं उसी चीज़ पर जो है वो कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ माई वीडियो, आई कैन डू इट एनीथिंग। सो वेदर इट इज़ अ वीडियो और ऑडियो डजेंट मैटर, यू आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, दैट्स वॉट मैटर। सो आई होप वीडियो का टाइटल देखने से पहले आपने जो है वो पेन पेपर रेडी करके रखे होंगे। तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स जस्ट कंटिन्यू द नेक्स्ट पेज ऑफ माई FAQ ऑफ द बेसिक फिजिक्स, जो मेरे शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ओके, पेज नंबर 7, फर्स्ट पॉइंट। आयनोस्फीयर इज द जोन ऑफ एटमोसफियर विच मेक्स द रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल। इस चीज़ को मैंने हिस्ट्री ऑफ द स्पेस मिशन और ग्रेविटेशन और लाइट चैप्टर और बाकी चीज़ों में भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि मैंने जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट को मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे हिट करके जो है वो देख सकते हैं। मैंने इस चीज़ को जो है वो अब तक जितना भी चीज़ किया है, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, जैसा आप इस डायग्राम को अभी जो है वो देख सकते हैं। सो मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। द SI यूनिट ऑफ लूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। लूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, इसे शायद मैंने लाइट चैप्टर में मैंने नहीं बताया था, जो कि अननेसेसरी पोर्शन है, पर एक बार पूछा गया है तो मैं इस चीज़ को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टॉर्च से जब लाइट जलाते हैं तो वो क्या होता है, ज़्यादा मतलब लाइट की ज़्यादा मतलब पावर रहती है, मतलब लाइट ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस रहती है, क्योंकि उसमें क्या रहते हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोटॉन्स रहते हैं। वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोटॉन्स को देखने के लिए आप क्या करते हो, उसके जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोटॉन्स होगी उतनी लाइट की पावर होगी और उतना ब्राइटनेस आपको जो है वो दीवार में या फिर कहीं पर आप पेनिट्रेट करवाओगे उस लाइट को, तो वो चीज़ आपको जो है वो ज़्यादा दिखेगी। और अगर जैसे मान लो इसको अगर इसके सामने कोई और चीज़ रख दे, जैसे मान लीजिए कोई सनशेड आपने रख दिया या फिर चश्मा आप अगर आंखों के सामने आप पहन रहे, तो उस चीज़ का क्या आ गया, लाइट पावर जो होगी वो चीज़ डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना, ये चीज़ जो है वो लुमिनस इंटेंसिटी कहलाती है, जिसकी यूनिट कैंडेला होती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये जो रेड में मैं फिगर बना रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। आई होप ये पॉइंट आपने जो है वो लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड नॉट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 oscillations per second होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो वेवफॉर्म का ऊपर उठना या गिरना कहलाता है। लाउडनेस जो कहलाता है वो हमारी समझ का टर्म होता है, एम्पलीट्यूड जो कहलाता है वो मशीन का टर्म कहलाता है, मशीन की समझ का टर्म होता है। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गैमा रेज हैविंग द मिनिमम वेवलेंथ एंड रेडियो वेव्स हैविंग द मैक्सिमम वेवलेंथ। वो जो लाइट का मैंने जो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने बताया था ना लाइट के चैप्टर में, ये वही चीज़ है। मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर पॉइंट पे जो है वो शॉर्ट में लिखा है। तो दिस इज द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। सोप बबल्स अपीयर कलर्ड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट नॉट रिफ्लेक्शन। डिस्पर्शन वाली चीज़ जो है मैंने लाइट के किसी पार्ट में मैंने बताया था, मैं उस चीज़ का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे दे रहा हूँ, आप प्लीज़ उसे जो है वो विजिट कर लीजिए। और डिस्पर्शन आपको पता है, लाइट का कोई चीज़ और रहता है, उस चीज़ को जो है वो मतलब अलग अलग कलर्स में बट जाना, दैट इज़ नोन एज अ डिस्पर्शन, अगर किसी ग्लास वाले मतलब मीडिया में पास करते हैं तो। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ बाइसिकल इज नोन एज रोटरी एंड ट्रांसलेटरी। इस चीज़ को मैंने जो है मोशन फोर्स एंड वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में मैंने बताया था, उस वीडियो की उन दोनों वीडियोस की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे हिट करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, ऑसिलेशंस पर सेकंड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। साउंड के चैप्टर में मैंने इस पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस किया था, आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट इट अगेन। इफ़ यू वॉन्ट टू सी इट, विजिट द साउंड चैप्टर दैट आई हैड एक्सप्लेन देयर। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैनॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, कोई आसपास जो है वो पार्टिकल ना हो, कुछ भी ना हो,
साउंड मीडिया को पास करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक पास करवाने के लिए क्या चाहिए? उसके आसपास एक पार्टिकल चाहिए, पार्टिकल का मीडिया के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल चाहिए ताकि वो हमारी निकली हुई आवाज़ को सामने तक पहुंचा सके। सो दैट इज़ वाई ये चीज़, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप आपने ये पॉइंट लिख लिया होगा। ओके, नेक्स्ट पेज में मैं आपके सामने आना चाहता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ द कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये मैंने जो है वो मैंने अपने नोट्स में लिखा था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंडक्शन का ये तीनों जो चीज़ मैंने बताया हीट के प्रोसेस, कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है। कंडक्शन का मतलब ये कहलाता है कि पार्टिकल को पुशअप करके जो है वो हीट को एक्सचेंज करवाना, मतलब जो हाईली एक्साइटेड पार्टिकल है लोअर एक्साइटेड पार्टिकल को खिसकाते खिसकाते गर्म करना, दैट इज़ नोन एज अ कंडक्शन। कन्वेक्शन का मतलब ये कहलाता है कि बिकॉज ऑफ द लिक्विड टू सॉलिड एंड सॉलिड टू लिक्विड पर चेंज होने से जो है वो सॉलिड अगर उसके पास है कवर्ड है तो वो सॉलिड सरफेस पर क्या हो जाता है, हीट जो है वो कलेक्ट हो जाती है और बॉडी पूरी हीट हो जाती है, दैट इज़ नोन एज अ कन्वेक्शन। और इन दोनों के बजाय कोई तीसरा अगर कोई फिनोमिना अगर होगी तो दैट इज़ नोन एज अ रेडिएशन। सो यहाँ पर मैंने जो है वो एग्जाम्पल मैंने जो है वो लिए हैं, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ ये पॉइंट्स के थ्रू। पेज नंबर 8 में पहला पॉइंट, पीस ऑफ आयरन रॉड फ्लो द हीट थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। यस, मैंने एक्सप्लेन किया था ये चीज़, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये मैंने डायग्राम बनाया है छोटा सा, तो ये अपने आप को समझाने के लिए मैंने किया था। आप चाहो तो अपने नोट्स पे भी इस डायग्राम को बना सकते हैं, इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस डायग्राम को बना लीजिए ताकि शॉर्ट टाइम पर आपको जो है वो समझ में आ जाए। और उसके नीचे पॉइंट मैंने लिखा है, इवन इफ़ यू टच हियर ये इट विल गेट टू हॉट। तो ये जाहिर सी बात है, दैट इज़ वाई वी डू नॉट ड्रिंक टी और इन आयरन और स्टील कप। स्टील ग्लास में गर्म चाय को पीने की कोशिश करोगे तो आपका मुंह जल जाएगा, ये होता है। इसलिए तो सिरेमिक या फिर ग्लास कप में जो है वो पिया जाता है। स्टेशन वाली चाय में क्या होता है, ग्लास कप में तो दिया जाता है, कभी भी वो जो है वो स्टील कप में आपको जो है वो सर्व नहीं करते। कुछ कुछ जो है वो ठंडा करके आप जो है वो स्टील कप में पी सकते हैं या फिर स्टील ग्लास में आप पी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एस्किमोस ड्वेलिंग इज ऑल्सो द एग्जाम्पल। एस्किमोस ड्वेलिंग क्या होता है ये आप जो है वो गूगल सर्च पे आप हिट करके आप देख सकते हैं। तो हमें तो बस ये इन पॉइंट से मतलब है, ये जो तीन एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये एग्जाम्पल कहलाते हैं कंडक्शन के। नेक्स्ट होता है कन्वेक्शन, वेंटिलेशन ऑफ द रूम्स, चिमनी, किचन में लगा जो चिमनी होता है या फिर आपके जितने भी फैक्ट्री फैसिलिटी में रहता है ऊपर जो घूमता हुआ स्टील जैसा जो है वो भी एक चिमनी कहलाता है। विंड एंड ब्रीजेस कहलाता है, फिलअप विद द इनर्ट गैसेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब, नियॉन गैस जो भरा जाता है, ये भी एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का। एंड नेक्स्ट आता है रेडिएशन, क्लाउडी नाइट्स ऑफ विंटर इज वार्मर देन द नाइट ऑफ फ्री एंड क्लियर स्काई। सर्दी के मौसम पे आपने जो है वो नोटिस किया होगा कि मौसम जो है वो ख़राब हो जाता है और वो अगर जैसे मान लो आसमान पे बादल है तो वो ठंडा नहीं लगता है, असल में जो है वो गर्म लगता है। ठंडी इस वजह से लगती है क्योंकि पानी गिरता रहता है, क्योंकि उस समय जो है वो मौसम ख़राब होने का मतलब क्या कहलाता है कि बादलों ऊपर तो है ही लेकिन साथ साथ तो उस पर जो है वो पानी भी गिरता रहे। अगर बादल होंगे ऊपर तो वो आपको जो है वो गर्म करेगा ना कि ठंडा। सो ये कहलाता है। इसका उलट अगर मैं मान लो देखा जाए तो आप रेतीले इलाकों पर जाओगे तो रात में अगर आप वहाँ पर रहोगे तो ठंडी लगती है बजाय दिन की गर्मी में। नेक्स्ट पॉइंट, आउटर लेयर ऑफ द टी कंटेनर मेड ब्राइट। सही भी बात है और ये चीज़ जो है वो इस पॉइंट पर मेंशन किया है। एनीथिंग इंस्टेड ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन इज रेडिएशन। वही चीज़ मैंने जो एक्सप्लेन किया था वही चीज़ जो है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे अबाउट द पेज नंबर 7 and 8 आई हैड प्रेजेंटेड इन दिस पीवी लॉ। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है वो अगर आपको ये पीवी लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस वॉज राहुल रंगरे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पीवी लॉग। हैव अ नाइस डे।